हेलो दोस्तों दोस्तों जो आज हम बाजार में देखे, बाजार काफी ज्यादा टूटा है। इसमें गोरमेट के स्टॉक काफी ज्यादा टूट गए, जो आज हमारी निफ्टी बंद हुई है 21,150 पे जाके बंद हुई है, जिसमें देखा गया दोस्तों गोरमेट के स्टॉक काफी ज्यादा टूटे हैं। तो अपने स्टॉकों में घबराना नहीं है जो लॉन्ग इन्वेस्टर है, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए ये मौका है, अच्छा मौका है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अच्छी क्वालिटी स्टॉकों में आपने इन्वेस्टमेंट करने हैं, ये क्योंकि ये निफ्टी कुछ दिनों में फिर वैसे ही हो जाएगी। पर आपके पास जो मौका है उसको खोना नहीं है। ये गोल्डन मौका आता है दोस्तों, जब बाजार ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो ये गोल्डन मौका रहता है इन्वेस्टमेंट करने का अच्छी क्वालिटी स्टॉकों में। तो आपने घबरा के नहीं चलना है, इन्वेस्टमेंट करते रहना अच्छी क्वालिटी स्टॉकों में। जो आप देखें दोस्तों, यहाँ का बाजार भी टूट रहा है, और जो अमेरिका का बाजार भी देखिए हम, वहां का बाजार भी रेड में दिखाई दे रहा है, वहां भी बाजार टूटा है। तो दोस्तों ऐसे में आपने पेशेंस रख के इन्वेस्टमेंट करते रहना है। उसके बाद दोस्तों आज हम एक स्टॉक का डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट है। दोस्तों जिस कंपनी का आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो एक पेंट की कंपनी है, प्लस प्राइमर वो कंपनी बनाती है, और डिस्पेंटर वो कंपनी बनाती है, और सीमेंट भी कंपनी बनाती है। ये कंपनी का बिजनेस है। जो हम कंपनी का देखें, नए नए उत्पादन भी कंपनी बना रही है, जैसे वाटर प्रूफिंग उत्पादन लॉन्च किया कंपनी ने कुछ दिन पहले। और नेटवर्क के मामले देखें, कंपनी के पास डीलर है 16,496 कंपनी के पास डीलर है, प्लस वही डेंटिंग मशीन है जिनके पास, डेंटिंग मशीन है कंपनी 8,213 डेंटिंग मशीन है। देखो मशीनें भी काफी कंपनी ले रही है, जो डीपीओ है 47, और जो वही 28 राज्यों में कंपनी का बिजनेस चलता है। जो वही हम दोस्तों कंपनी के प्लांट देखें, जो कंपनी के प्लांट देखें, पांच जो कंपनी के पास प्लांट है, पांच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पर कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है। यहां पर कंपनी 1,10,000 KLP में मटेरियल बना रही है। जो वही पिंड में देखिए हम, 1,38,000 MT में अपना मटेरियल कंपनी बना रही है। जो ब्रांड में कंपनी जो ब्रांड खर्चा करती है कंपनी, करोड़ कंपनी ब्रांड खर्चा कर रही है अपना, जो दोस्तों अलग अलग तरीके से ब्रांड करती है कंपनी अपना। जो कंपनी में आने वाले टाइम में कंपनी विस्तार भी कर रही है, जैसे तमिलनाडु में एक प्लांट लगाने वाली है, यहाँ पर प्लांट जो 50,000 KLMP का बनाएगी, प्लस इसके बाद जोधपुर में भी अपना प्लांट लगाने वाली है कंपनी, यहाँ पर 9,000 KLP में अपना प्लांट लगाने वाली है। यहाँ पर जोधपुर में काम भी शुरू हो गया है, प्लस जिसका IPO आया था दोस्तों 1,169 करोड़ कंपनी ने यहाँ पर जुटाए थे IPO से। यहाँ पर जो कंपनी ने खर्च किया था, जैसे तमिलनाडु का प्लांट यहाँ पर अपना खर्च किया था, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी ने तमिलनाडु का जो प्लांट लगेगा वहां से भी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जब वो प्लांट लग जाएगा तो इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा, वहां से इसका स्टॉक भी भागने की संभावना रहेगी। जो दोस्तों कंपनी का नाम है इंडिको पेंट लिमिटेड कंपनी का नाम है। जो ये तो दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल की बात होगी, जो हम इसका मार्टी कैप की बात करें, 6,861 करोड़ का कंपनी का मार्टी कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। जो स्टॉक पीओ की बात करें 51 की, जो बुक वैल्यू की बात करें 172 की बुक वैल्यू कंपनी की। जो ये कंपनी देखो स्मॉल कैप होने के बाद डिविडेंड भी दे, 0.24 का कंपनी डिविडेंड दे रही है। जो कंपनी की ROC 21 बढ़ी, जो ROE बढ़ी है 18.4 से। जो फेस वैल्यू 10 कंपनी की, जो वही हम सेल एंड ग्रोथ देखिए, 10 साल में 37%, 5 साल में 21% और 3 साल में 20% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 72%, 5 साल में 102% और 3 साल में 44% से, जो 3 साल में देखिए 40% से कंपनी की अच्छी खासी प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। जो CGR देखिए कंपनी का पिछले 3 साल से, कंपनी का हम CGR देखिए, पिछले 1 साल से 12% से कंपनी का CGR बढ़ा है दोस्तों। यहाँ पर जो देखिए हम प्रॉफिट ग्रोथ और सेल ग्रोथ अच्छी बढ़ रही है कंपनी की। जो कंपनी के पास रिजर्व देखिए, रिजर्व भी अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है, 773 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है 14 करोड़ का मात्र कंपनी के पास बोरिंग है। बोरिंग कर्जा कोई ज्यादा नहीं है कंपनी के पास, पर पैसा अच्छा इकट्ठा कर रखा है कंपनी ने। जो वही हम की बात करें, कंपनी जून में 277 करोड़ की सेल थी, जो सितंबर में देखिए 270 करोड़ की कंपनी को सेल हुई है। जो नेट प्रॉफिट की बात करें 31 करोड़ का था हुआ था, जो अब की बार वो 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। जो साल के लिए देखिए हम, 2022 में 906 करोड़ की सेल हुई थी, वही 2023 में 1,073 करोड़ की कंपनी को सेल हुई। जो नेट प्रॉफिट की बात करें 84 करोड़ का हुआ था, जो अब की बार हुआ है 132 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को है। जो साल के लिए देखे दोस्तों, अच्छा नेट प्रॉफिट हुआ, अच्छी सेल में बढ़ोतरी है। जो प्रमोटर की होल्डिंग रही है दोस्तों 53.95 की, जो FL की होल्डिंग 8.75 की, जो DL की होल्डिंग 2.29 की, जो पब्लिक ने होल्डिंग रही है 35% की होल्डिंग कर रखी है कंपनी में। जो हम इस कंपनी का शेयर प्राइस चला है
1439 शेयर प्राइस चला है कंपनी का, जो एक साल का रिटर्न दिया 9.75, जो 5 साल का दिया 45% माइनस में 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। जो दोस्तों इसने हाई किया है 2600 के ऊपर इस कंपनी ने हाई किया है। देखो अभी ये कितने डिस्काउंट में मिल गया ये स्टॉक 1439 का। अगर आने वाले टाइम में स्टॉक ने जो पहले वाली स्पीड पकड़ ली जो 2600 के लगभग चला गया तो आप फिर पछताते रहोगे। इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखो कल को अगर एशियन पेंट बन गया ये कंपनी, क्योंकि पेंट का बिजनेस है, तो आप फिर बोलोगे किसी ने हमें ये स्टॉक बताया नहीं है। अगर इस इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप 1-2% इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे जाओगे, लंबा रुक जाओगे, तो ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना आपने अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों।